हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ पावर बीआई ट्यूटोरियल पर, जिसपे कि हम बात करने जा रहे हैं मर्ज क्वेरी की। फ्रेंड्स, आपको याद होगा इससे पहली वीडियो में हमने अपेंड क्वेरी के बारे में बात किया था और आज हम बात करेंगे मर्ज क्वेरी की। तो आगे बढ़ने से पहले, प्रैक्टिकल देखने से पहले फ्रेंड्स, जैसा मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि सारे अपडेट आपके पास तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हमारी वीडियो की, हमारे इस चैनल की एक यूएसपी है कि हम प्रैक्टिकल ज्यादा बात करते हैं, तो मैं आपको आइए प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि किस तरीके से मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज में डिफरेंस होता है, मर्ज क्वेरीज कैसे काम करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे देखें सबसे पहले, तो जैसा कि मैंने आपको अपेंड क्वेरी में बताया था, हम हमेशा कम्फोर एसयू का डेटा लेते हैं। मैंने इसमें, अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, ऊपर आइकन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। हमारे पास दो टेबल थी, एक कम्फोर एसयू की, जिसमें कि हमारे पास डेटा था डेट, सेशन एंड वेबसाइट। उसके बाद दूसरी जो टेबल थी वो डिजिटल विद्यापीठ की थी, जिसमें कि डेट, सेशन और वेबसाइट। आज भी मैं इन्हीं दोनों टेबल्स का यूज करने जा रहा हूं। इन दोनों टेबल का, सेम डेटाबेस का जब मैं यूज करूंगा, तो आप बहुत आसानी से ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अपेंड और मर्ज में डिफरेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अपेंड क्वेरी जो मैंने आपको बताई, उसमें डेटा हमारे सेम कॉलम में, तीन ही कॉलम थे, इन कॉलम के नीचे हमारा डेटा ऐड हो गया। अब मर्ज क्वेरीज में क्या होता है कि मर्ज क्वेरीज में हमारे, अगर जो कॉलम है, अगर वो हमारे कॉलम में डेटा डिफरेंट है और कोई एक भी कॉलम हमारे पास सेम है, तो हम उस डेटा को कैसे मर्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मर्ज क्वेरीज का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं, जिससे कि आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि ये काम कैसे करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मर्ज क्वेरीज को जब हम मर्ज करते हैं, दो टेबल्स को, दो डेटा को जब मर्ज करते हैं, तो उसमें तीन तरीके के ज्वाइन होते हैं, आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन और एंटी ज्वाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन तीनों ज्वाइंस के लिए हमारे पास फर्दर तीन टाइप होते हैं कि आउटर ज्वाइन में हम लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं, राइट ज्वाइन कर सकते हैं और फुल ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलर हम इनर ज्वाइन में कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट एंड फुल ज्वाइन, और एंटी ज्वाइन में भी लेफ्ट, राइट एंड फुल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, अगर आप क्वेरीज पे काम करते हैं तो ये हम लोग डेटाबेस में बहुत टेक्निकली पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे ज्वाइन काम करते हैं। अगर आप टेक्निकल नहीं है तो सिर्फ इसे समझने की कोशिश करें। मैंने इसीलिए नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, यूजर्स हैं, जो नॉन टेक्निकल हैं, उन्हें भी समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास दो टेबल हैं, क्वेरी वन लेफ्ट, क्वेरी टू राइट। ठीक है, क्वेरी वन जो है मेरी, इसमें, इसे आप टेबल वन भी कह सकते हैं, इसमें एक कॉलम है आईडी का और एक है सेल्स का, तीन इसमें आईडी है, एबीसी और सेल्स है 10, 50 एंड 20। दूसरी जो टेबल है उसमें है आईडी एंड रीजन, ए, बीबीसी और रीजन है यूएसए, यूरोप और एशिया। अब देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ आउटर ज्वाइन के बारे में बताया है, अगर आपको जरूरत है आप इनर ज्वाइन या एंटी ज्वाइन के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स लेफ्ट आउटर ज्वाइन की, ठीक है फ्रेंड्स, आउटर ज्वाइन में बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट, राइट और फुल तीनों की बात करेंगे। तो जब मैंने मर्ज किया आउटर और उसमें मैंने लिया लेफ्ट, तो आप देखिए दोनों टेबल में से मेरे पास क्या आया, एबीसी आया। ठीक है, मैंने लेफ्ट किया है, तो आप समझिए जो मेरी क्वेरी फर्स्ट है उसका मैंने आईडी सेक्शन ले लिया, क्योंकि आईडी मेरे दोनों में कॉलम है, सेम है। तो आईडी कॉलम से हमारा डेटा यहां पर आ गया एबीसी, सेकंड में बीबी था, ठीक है, ये नहीं लिया उसने क्योंकि ये हमारे आईडी में नहीं था, एबीसी ले लिया। सेल्स में हमारी एबीसी के लिए तीनों सेल्स थी, रीजन में देखिए एबीसी, ए और सी के लिए हमारे रीजन है, बट बी के लिए हमारा कोई रीजन नहीं था, इसीलिए यहां पे एनए आ गया। तो अगर आप आउटर लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके का कुछ रिजल्ट आएगा आपके पास। अब अगर आप करते हैं आउटर राइट ज्वाइन, तो देखिए अगेन राइट ज्वाइन में हम आईडी क्वेरी टू की लेंगे, ठीक है, तो क्वेरी टू की जो आईडी आ जाएगी हमारे पास ए, बी, बी एंड सी। देखिए सिमिलर, आप देखिए यहां पे ए, बी, बी, सी, सी आ गई, इनके सामने हमारे रीजन है, तीनों के रीजन है, और यहां पे ए और सी का हमारे पास सेल्स है, ए और सी का, बी, बी का कोई सेल्स नहीं है, इन दोनों का डेटा यहां आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया राइट। अब अगर हम कर देते हैं फुल ज्वाइन,
ठीक है। तो फुल ज्वाइन में क्या होगा फ्रेंड्स, आईडी अगेन हमारा कॉलम सेम है, उसमें ए बी सी, अब हमारा एक एक्स्ट्रा बचता है बीबी, ये भी हमारे देखिए नीचे ऐड हो जाएगा। अब इन तीनों के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे सेल्स क्या है हमारे बीबी के लिए, सेल्स नहीं है करेक्ट, और बी के लिए हमारा क्या है, रीजन नहीं है, बी के लिए रीजन नहीं है और बीबी के लिए सेल्स नहीं है, तो उन दोनों केस में हमारा एनए का डेटा आएगा, बाकी हमारा पूरा फुल ज्वाइनर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि किस तरीके से मर्ज क्वेरीज काम करती है। अब मैं आपको दो टेबल को प्रैक्टिकल मर्ज करके दिखाता हूं। देखिए अब हमारी ये दो टेबल आ गई, कम्फोर एसी और डिजिटल विद्यापीठ, हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको समझाया, वो सारी चीजें आपको जब ये कंबाइंड करेंगे तो वो ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए आपकी नॉलेज में होने चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो आपको करना क्या है, किसी भी एक टेबल को सेलेक्ट करना है जिसे हमें मर्ज करना है, होम सेक्शन में जाना है और लास्ट में आप देखेंगे मर्ज एंड अपेंड क्वेरी, जो कि हमारे कंबाइंड सेक्शन में आता है। ठीक है, अपेंड क्वेरी हम कर चुके हैं, जब मैं मर्ज क्वेरी पे क्लिक करता हूं तो अगेन दो ऑप्शन आते हैं, मर्ज क्वेरी एज न्यू। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देता हूं। मर्ज क्वेरी जब करेंगे तो ये इसी टेबल में कम्फोर एसयू में हमारा डिजिटल विद्यापीठ का डेटा कंबाइंड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, और अगर मैं मर्ज क्वेरी एज न्यू करूंगा तो जैसे मैंने कंबाइंड डेटा अपेंड के केस में ले रखा है, ऐसी मर्ज के केस में एक मेरे पास कंबाइंड डेटा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मर्ज क्वेरी एज न्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जैसे ही मैंने मर्ज क्वेरीज एज ए न्यू किया फ्रेंड्स, तो देखिए होगा क्या, एक मेरी नई फाइल बनेगी। ठीक है, यहां से हमें पूछेगा ये सेलेक्ट टेबल एंड मैचिंग कॉलम टू क्रिएट ए मर्ज टेबल। तो हमारी पहली टेबल कौन सी है, कम्फोर एसईओ, यहां दिखा रहा है, इसमें डेट सेशन और वेबसाइट है, हमें किस टेबल से मर्ज करना है इसे। ठीक है, हमें डिजिटल विद्यापीठ से मर्ज करना है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या दिखा रहा है, डेट सेशन और वेबसाइट। ठीक है, अब हमें इसमें कौन सा ज्वाइन लगाना है फ्रेंड्स, अगर आप ज्वाइन काइंड देखेंगे तो देखिए यहां पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी, जो मैंने आपको समझाई थी वो सारी चीजें यहां है। मैं क्या करता हूं, यहां से कम्फोर एसयू का डेट सेलेक्ट करता हूं और डिजिटल विद्यापीठ का भी मैं डेट सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली देखिए मेरा लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, यूज ह्यूजी मैचिंग टू परफॉर्म द मर्ज, आपकी इच्छा है, अगर आप इसमें जाएं देखना चाहें कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस पे हम नहीं जा रहे, इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। इसे चेक करने के तरीके क्या क्या होते हैं, अब देखिए अगर मैंने लेफ्ट आउटर लिया तो हुआ क्या, 1250 ऑफ 1473 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, मतलब जब तक ये डेटा सेम नहीं आया आप समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं इसे लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम सेकंड। ठीक है फ्रेंड, लेफ्ट राइट आउटर ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, जितनी हमारी इससे मैच कर रही है वो सारी, देखिए 1250 ऑफ 1250 रो फ्रॉम द सेकंड टेबल, जितनी हमारी इसमें डेट मैच कर रही होगी वो डेटा हमें आ जाएगा, मींस जो हमारा फर्स्ट कॉलम है डेट का उसमें जो अब हमारी डेट रहेगी दोनों के केस में कॉमन रहेगी। अब क्या होता है आगे, अब मैं इसे ओके कर देता हूं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकल है, बस आपको अगर एक बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो मैंने डेट कहा था, ये जो डेट कॉलम है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, कम्फोर एसईओ के लिए भी और डिजिटल विद्यापीठ के लिए। मैंने क्या किया, यहां पे इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने पे देखिए क्या क्या आ रहा है, डेट सेशन वेबसाइट, जो डेटा हमारा वहां पे था, जरूरी नहीं है, जब हमारे कई बार ऐसा होता है दूसरी टेबल होती है तो उसमें डेटा हमारे जो कॉलम है कुछ अलग भी हो सकते हैं, सिर्फ हमें एक ही कॉलम देखना है जो हमारा मैच करता है, डेट, डेट की जगह आपका कुछ भी हो सकता है। चलिए अभी के लिए मैं इसे ओके कर देता हूं, तीनों डेटा को एक्सपेंड कर लेता हूं। अब अगर आप देखेंगे, देखिए डेट का बिल्कुल कॉलम सेम आ रहा है, अगर आप बिल्कुल लास्ट तक भी देखेंगे, इसे कहीं तक भी देख लीजिए, 113 में 12 12 2017 12 12 2017। तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसका हमें फायदा क्या हुआ, इस पर्टिकुलर कॉलम को मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, डेट का देखिए, डेट हो गया मेरे पास, सेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, डिजिटल विद्यापीठ के सेशन हो गए और डिजिटल विद्यापीठ वेबसाइट का नाम हो गया। तो मैंने क्या किया, यहां तो आप ये सोच के चलिए कि मेरा ये सेम था, जो कॉलम थे वो सेम थे,
अगर आपके पास डिफरेंट कॉलम है और डेट हमारी सेम है तो भी हम उस डेटा को यहाँ मर्ज कर सकते हैं। तो हमें किस केस में मर्ज क्वेरीज यूज करनी है, किस केस में अपेंड क्वेरी यूज करनी है, फ्रेंड बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। मर्ज क्वेरीज हमें तब यूज करनी है जब दोनों टेबल्स में हमारे कॉलम्स अलग अलग हैं, एक यूनिक कॉलम है जिसके बेस पे हमें उन दोनों टेबल को ऐड करना है, उस केस में हम मर्ज क्वेरी यूज करेंगे। अपेंड क्वेरीज कब यूज करेंगे फ्रेंड्स, अपेंड क्वेरी हम तब यूज करेंगे जब दोनों टेबल में हमारे कॉलम सेम है और हमें उस डेटा को एक डेटा के नीचे दूसरे डेटा को पुट करना है, उस केस में हम अपेंड क्वेरीज यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये ही सबसे आसान तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप डिफरेंट समझ सकते हैं मर्ज क्वेरीज का और अपेंड क्वेरीज का। अगर फ्रेंड अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, कैसे करना है, क्या करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरी इस स्लाइड को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आउटर ज्वाइन काम कर रहा है, किस तरीके से इनर ज्वाइन काम कर रहा है। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखें। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियोज मैंने पहले बनाई है, अपेंड क्वेरी की एक बार पहले वीडियो देखें, फिर मर्ज क्वेरीज की वीडियो देखें, और फिर जो मैंने डैशबोर्ड बनाया उसका लिंक भी मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, तो दोनों में उसके बाद कंपेयर करके देखें। और जब पूरा आपके समझ में आ जाए तब आप क्या कोशिश करें, तब आप अपना एक प्रैक्टिकल करके देखें। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जब भी आप मल्टीपल टेबल्स यूज कर रहे हैं, किस तरीके से टेबल के डेटा को कंबाइंड करना है, उस केस में आपको बहुत काम आने वाली है। दोनों ही जो क्वेरी हैं, चाहे अपेंड क्वेरी हो या मर्ज क्वेरी हो, बहुत ही यूजफुल है। जब भी हम ह्यूज डेटाबेस पे काम करते हैं उस केस में हमेशा हमारे काम आने वाली क्वेरी है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, जितनी जल्दी होगा मैं आपकी क्वेरी को रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।